हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एन ट्यूटोरियल में और यहां पर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन के साइंस के चैप्टर नंबर थ्री को जिसका नाम क्या है जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक अब इस चैप्टर का नाम ही पढ़कर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें समझना क्या है पढ़ना क्या है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो हमारे आसपास फैब्रिक होते हैं जो हम फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं वो बनते कैसे हैं फाइबर से फैब्रिक का मतलब क्या फैब्रिक का मतलब सिंपली कहें तो कपड़ा जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी बात हो रही है जैसे ये यहां पर मेरे पास एक टी शर्ट है ये क्या है ये फैब्रिक से बना हुआ है फैब्रिक इसको सिल करके इस तरीके से शेप दिया गया फैब्रिक का मतलब सिंपल क्लोथ होता है सिंपल कपड़ा होता है प्लेन अब देखिए यहां पर यह जो फैब्रिक है ये फैब्रिक में आप ध्यान दीजिएगा तो आपको इसमें धागे दिखते हैं धागों से मिलकर यह पूरा कपड़ा तैयार किया जाता है बुनकर तो यहां पर जो फा, फाइबर है 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 इसका इसका मतलब मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेशा, रेशा। अब देखिए इस कपड़े को देखिएगा तो इसमें कोई अगर एक, एक, आप धागा देखते हैं तो इस धागे में भी आपको पता चलेगा कि बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं उन्हीं रेशों को क्या कहा जाता है फाइबर कहा जाता है आप भी ध्यान दीजिएगा आपके पास कोई कपड़ा है तो उन रेशों से क्या बनता है थ्रेड बनता है या फिर यान बनता है जिसको कि हम क्या कहते हैं धागा कहते हैं जैसे यहां पर ये क्या हो गया ये बेसिक हो गया हमारा क्या फाइबर यानी रेशा उससे क्या बना थ्रेड बना यान बना और उसको फिर बुनकर उसको फिर सही तरीके से तैयार करके क्या बनता है फैब्रिक बनता है और फैब्रिक को हम क्या करते हैं सिलवा कर उसको सिल करके क्या बनाते हैं टी शर्ट बनाते हैं कपड़े बनाते हैं बहुत सारी चीजें हम अपने लिए तैयार करते हैं पहनने के लिए जो ये आप कपड़ा देख रहे हैं ये क्या है एक तरीके का फैब्रिक है तो यहां पर ये जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक इसमें यही पूरा प्रोसेस हमें समझना है कि जो फाइबर हमें मिलता है इस फाइबर को हम फैब्रिक के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें क्या 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 प्रोसेस होता है क्या काम होता है सारी चीजें हमें समझनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के साथ ही आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कोई डाउट आपको नहीं बचेगा अब यहां पर देखिए जो ये हमारा चैप्टर है इसमें क्या करना है हमें फैब्रिक के बारे में पढ़ना है यानी जो फैब्रिक है वो बनता कैसे है तो यहां पर अगर हम सॉरी यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है दो चीजों के बारे में मेन पढ़ना है किस चीज के बारे में पहला वूल के बारे में यानी जो ऊन के कपड़े आप देखते हैं उन वूल के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे बनते हैं वो कैसे तैयार होते हैं जैसे यहां पर अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास एक ऊन का कपड़ा है वूल का कपड़ा है तो देख सकते हैं ये भी क्या है ये भी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि फैब्रिक है और ये भी क्या किस तरीके से बना है कैसे बना है उसी प्रोसेस से बना है हमारे पास रेशे होते हैं रेशों से हम धागे बनाते हैं थ्रेड बनाते हैं और फिर थ्रेड से हम क्या करते हैं फैब्रिक तैयार करते हैं वूल फैब्रिक तैयार करते हैं यानी कि सबसे पहले हमें वूल के बारे में पढ़ना है साथ में हमें पढ़ना है सिल्क सिल्क के के बारे में यानी जो सिल्क के कपड़े होते हैं ये कैसे तैयार होते हैं ये कैसे हमें मिलते हैं तो इन दोनों के बारे में भी हमें बारे में हमें इस चैप्टर में काफी डिटेल में काफी अच्छी तरीके से पढ़ना है अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो वही चीज मैं आपको दिखा रहा था मैं आपको समझा रहा था कि देखिए हमारे आसपास फैब्रिक होते हैं कपड़े होते हैं जिनसे कि हम सिल कर क्या करते हैं कपड़े पहनने वाले कपड़े तैयार करते हैं उन वो किस चीज से बनते हैं वो धागों से बनते हैं धागों को बुन कर क्या बनाया जाता है फैब्रिक बनाया जाता है लेकिन धागे भी आपको सबसे शुरू प्रोडक्ट नहीं होते हैं धागे भी बनते हैं किसी चीज से किस चीज से तो ऐसे रेशे होते हैं रेशे यहां पर देख सकते हैं ये रेशे मौजूद है एक लेडी के हाथ में है तो इन रेशों को अच्छी तरीके से लपेट कर अच्छी तरीके से यान करके क्या बनाया जाता है थ्रेड बनाया जाता है या फिर यान बनाया जाता है और फिर उससे फैब्रिक बनाए जाते हैं अब यहां पर अगर हम बात करें फाइबर के बारे में तो फाइबर कई तरीके के होते हैं तो फाइबर को जनरली बात करें तो मेन आपका कहां से मिल रहा है उसके आधार पर दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं पहला तो हो गया नेचुरल नेचुरल यानी कि हमें हमारे आसपास जो नेचर मौजूद है हमारे आसपास जो चीजें मौजूद है उससे हमें मिलता है दूसरा क्या होता है सिंथेटिक सिंथेटिक कहने का मतलब कि उसको हम केमिकल के जरिए प्रोसेसिंग करके बहुत सारे तरीकों से फैक्ट्री में तैयार करते हैं तो इस सिंथेटिक फाइबर के बारे में यहां पर हमें नहीं पढ़ना है इसको आपको कहां पढ़ना होगा क्लास एट में पढ़ना होगा ठीक है यहां पर हम बात करने वाले हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में तो नेचुरल फाइबर्स में हम यहां पर जो प्लांट फाइबर्स हैं जैसे कि आपका कॉटन हो गया या फिर जूट हो गया इसके बारे में भी हम नहीं पढ़ने वाले हैं हमें मेनली फोकस किस चीज पे करना है जो फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स ऐसे नेचुरल फाइबर्स जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स यानी कि यहां पर सबसे पहला तो सिल्क की बात करें तो आपका जो सिल्क वॉर्म है उससे हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है वहीं जो अलग अलग जानवर होते हैं जैसे शिप होता है याक होता है गोट होता है उससे हमें क्या मिलता है वूल मिलता है तो यहां पर हमें एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ना है कौन कौन से आपको वुल और सिल्क के बारे में यह तो चीज मैं पहले भी बता चुका हूं तो यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या लिखा गया है एनिमल फाइबर्स वुल एंड सिल्क ये टॉपिक है हमारा अब इसमें बेसिकली हम जान दे, जान लेते हैं कि जो वुल है और सिल्क है ये हमें मिलता कहां से है कहां से हम इसे प्राप्त करते हैं अब देखिए वुल की बात करें तो वुल हमें प्राप्त होता है फ्लीस फ्लीस ऑफ शिप याक एंड सम अदर एनिमल्स फ्लीस का मतलब क्या होता है जो हेयर होता है इन जानवरों का उसी को हम फ्लीस कहते हैं जो हेयर होता है इन जानवरों का उसी को फ्लीस कहा जाता है ये वर्ड ध्यान रखिएगा अब देखिए यहां पर जो ये जानवर है कौन से जानवर शीप याक इसके अलावा गोट हो गए अल्पाका हो गया और भी जानवर होते हैं जिनके बालों से जिनके हेयर से हम क्या प्राप्त करते हैं वुल प्राप्त करते हैं जिससे हम अपने स्वेटर्स बनाते हैं शॉल बनाते हैं और भी वुलन क्लॉथ्स को तैयार करते हैं तो वुल हमें कहां से मिलता है आप समझ गए जो ये जानवर होते हैं शीप याक या फिर और भी बहुत सारे जानवर हैं उनके हेयर से हम क्या प्राप्त करते हैं उनके हेयर से हमें वुल प्राप्त होता है वुल फाइबर प्राप्त होता है फिर उसी को हम थ्रेड बनाते हैं फिर उससे हम फैब्रिक बनाते हैं तो ये समझ गए कि वुल कहां से मिलता है इसके बाद अगर हम बात करें तो सिल्क की बात करते हैं तो जो सिल्क फाइबर्स होता है ये हमें प्राप्त होता है कोकून से जो कि होता है सिल्क मौत का किस चीज का सिल्क मौत का ककुन से हमें क्या प्राप्त होता है सिल्क फाइबर होता है यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं जो आपका सिल्क मौत होता है एक तरीके का कीड़ा होता है छोटा सा ये क्या करता है सिल्क फाइबर को तैयार करता है समझ गए और इसी से हम क्या प्राप्त करते हैं सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं ये सिल्क मौत है और उसका ये ककून है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा तैयार किया जाता है इस ककुन को जिसको कि हम लेते हैं और प्रोसेसिंग करके क्या करते हैं सिल्क फाइबर तैयार करते हैं उससे फिर सिल्क फैब्रिक तैयार करते हैं अब ये दोनों चीजें कैसे की जाती हैं यानी कि वूल हम कैसे प्राप्त करते हैं और साथ में सिल्क फाइबर हम कैसे प्राप्त करते हैं कैसे प्रोसेस करते हैं यह सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है तो आगे हम आइए देखते हैं और समझते हैं कि दोनों चीजों का प्रोसेसिंग या दोनों चीजों का काम कैसे किया जाता है पहले हम आ जाते हैं वूल के ऊपर यानी जो वुल है ये कैसे मैनेज होता है कैसे इसको प्रोसेसिंग किया जाता है तो ये चीज तो मैंने आपको बता दिया कि जो वुल है ये आता कहां से है ये आता है शीप से याक से या फिर दूसरे एनिमल से कौन कौन से एनिमल्स अल्पाका हो गया या फिर कैमल के भी आपको हेयर से प्राप्त होते हैं इसके अलावा गोट होता है याक होता है ये सारे क्या होते हैं ये ऐसे जानवर हैं जिनके हेयर से हम वुल प्राप्त करते हैं समझ गया तो ये जो वुल्डिंग एनिमल्स होते हैं इनके जब बॉडी को आप देखिएगा तो आपको इनके बॉडी पर बहुत ज्यादा हेयर देखने को मिलेगा जैसे आप इस शिप को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके शरीर पर कितना हेयर है बहुत ज्यादा हेयर मौजूद होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट टाइप का होता होता है 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 इसके साथ पर पर याक है। याक के शरीर भी देख सकते हैं कितना ज्यादा हेयर तो हम इन्हीं हेयर्स को क्या करते हैं कट करते हैं और अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अभी हम पूरा देखने वाले हैं कैसे कट करते हैं कैसे प्रोसेसिंग करते हैं सारी चीज हम देखने वाले है। हैं यहां पर देखिए जैसे कैमल को भी दिखाया गया है कैमल के हेयर का भी इस्तेमाल होता है यहां पर गोट है गोट के हेयर का भी इस्तेमाल होता है तो इस तरीके से बहुत सारे जानवर हैं जिनके हेयर से हम क्या बनाते हैं वूल बनाते हैं तो ये चीज आप समझ गए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर मेनली अब हम किस चीज पर फोकस करेंगे शिप पर फोकस करेंगे शिप पर हम क्यों फोकस करेंगे क्योंकि अगर हम इंडिया में बात करें या फिर वर्ल्ड में भी बात करते हैं तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वूल प्रोडक्शन होता है वो शिप के हेयर से होता है अब देखिए यहां पर ये जो जानवर होते हैं केवल शिप की नहीं बात कर रहा हूं और भी जानवरों की लेकिन मेनली फोकस किस पर है शिप पर है तो इनके जो हेयर होते हैं ये हेयर दो प्रकार के होते हैं दो तरह के इनके शरीर पर हेयर पाए जाते हैं पहला तो होता है कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा क्या होता है फाइन सॉफ्ट हेयर यानी कि यहां पर जो ये जानवर हैं इनके शरीर पर दो प्रकार के हेयर होते हैं पहला होता है कोर्स बियर्ड हेयर यानी कि वो हेयर जो कि उनके शरीर का आउटर लेयर है यानी कि उनके शरीर पर हेयर है उसका जो बाहरी लेयर है हेयर का वो क्या होता है बहुत ही हार्ड होता है हार्ड नहीं कह सकते हैं कोर्स होता है जैसे आप अपने आपकी अगर दाढ़ी आ चुकी है नहीं आई होगी क्योंकि सेवेंथ क्लास में है आप अपने जो फादर हैं उनका दाढ़ी चेक कीजिएगा तो यहाँ जो आपकी उनकी दाढ़ी होती है बियर्ड होती है ये काफी हार्ड होती है इस हेयर को देखिएगा तो बहुत ही हार्ड होती है वहीं आप अगर हाथों पर देखिएगा हेयर को वो बहुत ही सॉफ्ट होती है तो बिल्कुल वही चीज़ है कि उनके शरीर पर जो बाहर की तरफ जो हेयर होता है यानी जो बाहर हम ऐसे छू सकते हैं जिस हेयर को वो क्या होता है कोर्स होता है वो काफी मोटा होता है काफी कड़ा होता है और इस हेयर का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है लो ग्रेड मटेरियल्स बनाने में किया जाता है लो ग्रेड मटेरियल्स बनाने का मतलब जैसे हम चटाई बनाते हैं या फिर जो दरवाजे पर पौधान रखा जाता है उसको हम बनाते हैं तो इस तरीके के चीजों को बनाया जाता है कोर्स बियर्ड हेयर से या फिर आप कह सकते हैं मोटे मोटे जो कड़े कड़े कंबल आते हैं वो इसी हेयर से बनाए जाते हैं इसके बाद इनके शरीर में जो स्किन होता है स्किन से बिल्कुल सटा हुआ छोटा छोटा हेयर होता है ये छोटा हेयर क्या होता है फाइन सॉफ्ट हेयर होता है ये बहुत ही मुलायम होता है बहुत ही मकमली होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है तो ये जो सॉफ्ट हेयर होता है ये स्किन से काफी क्लोज होता है और इसी का इस्तेमाल हम करते हैं अच्छी क्वालिटी के वूल बनाने में यानी कि जो आप देखते हैं या फिर सुनते हैं कि भाई ये जो वूल है ये बहुत ही महंगा है महंगा क्यों है क्योंकि उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा है और उसको अच्छी तरीके से छांटा गया है अलग प्रोसेसिंग किया गया है सभी चीजें की गई हैं यानी कि आप जितना अच्छी क्वालिटी का वूल लीजिएगा वो उतना कॉस्टली होगा उतना महंगा होगा आप समझ गए कि हेयर दो प्रकार के कोर्स बियर्ड हेयर और साथ में फाइन सॉफ्ट हेयर जो कहा होते हैं इनके शरीर पर होते हैं जैसे यहां पर अगर आप देख सकते हैं ये जो आ, शीप है इस शीप का जो सामने से आप जो ये छू सकते हैं जैसे मैं यहां पर अगर इसको छूने जाऊं तो यहां पर मुझे थोड़ा लगेगा लगेगा क्यों लगेगा? क्योंकि ये कोर्स बियर्ड हेयर है और यहीं पर इसके इस लेयर को हटाकर अगर हम स्किन से नजदीक वाले जो हेयर हैं उनको जब हम यूज करेंगे उनको छूएंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो यही चीज हमारा होता है दो प्रकार का हेयर और दोनों प्रकार के हेयर अलग अलग तरीके के इस चीजों को चीजों में यूज किए जाते हैं अब देखिए ये तो मैंने जनरली बता दिया कि देखिए जनरली क्या होता है आपका आउटर लेयर कोर्स बियड होता है अंदर का जो लेयर होता है वो सॉफ्ट Fine hair होता है। लेकिन कुछ ऐसे ब्रीड्स होते हैं कुछ ऐसे ब्रीड्स के या फिर और भी जानवरों के, इनके पास केवल हेयर होता है, है। यानी जो जिस सॉफ्ट हेयर की मैंने बात की सिर्फ वही सॉफ्ट हेयर होता है इनके शरीर पर कोर्स बियर्ड हेयर मौजूद नहीं होता है तो ये जो प्रजाति होती है की, ये इसको Sorry. इनको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है कि भाई ये जो प्रजाति है ना इससे हमें अच्छी क्वालिटी का वूल मिलेगा बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा और इस वजह से जो किसान हैं जो लोग इस तरीके के चीजों में इन्वॉल्व हैं वो क्या करते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे ज्यादा से ज्यादा शिप्स हों यानी ऐसे शिप्स ज्यादा हों जो ज्यादा हेयर भी जिनके पास हो और क्वालिटी भी अच्छी हो तो इस चीज के लिए क्या किया जाता है इस चीज के लिए एक काम किया जाता है क्या काम किया जाता है उस काम का नाम है सेलेक्टिव ब्रीडिंग सेलेक्टिव ब्रीडिंग अब यह क्या चीज है सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है सिंपली कहें तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि दो अलग अलग प्रजातियों के जो अलग अलग प्रजातियों के जो शिप हैं उनको लिया जाता है आपस में उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाता है ताकि हमें एक अच्छी क्वालिटी का अच्छी प्रजाति का शिप मिल सके नहीं समझ में आया आएगा भी नहीं अच्छी तरीके से समझाता हूं पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग इन्वॉल्व चूजिंग पेरेंट्स विथ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू ब्रीड टूगेदर एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विथ मोर डिजायरेबल कैरेक्टर्स सिंपल मतलब यह है कि हमें एक शिप चाहिए क्या चाहिए शिप चाहिए उसमें क्या होना चाहिए पहला तो उसके पास हेयर होना चाहिए ज्यादा हेयर ज्यादा होना चाहिए दूसरा क्या होना चाहिए हेयर का क्वालिटी होना चाहिए तो यहां पर दो चीजों दो चीज हमें चाहिए दो क्वालिटी चाहिए हम क्या करेंगे फादर लेंगे ऐसा या फिर मदर कोई भी पेरेंट में से एक लेंगे जिसके पास ऐसा ब्रीड हो जिसका हेयर बहुत ज्यादा होता हो दूसरा का पेरेंट हम लेंगे ऐसा मदर या फादर सेकेंड पेरेंट जिसका क्या होगा क्वालिटी हेयर का अच्छा होता होगा तो इन दोनों के बीच हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तो हमें जो बच्चा मिलेगा वो एक ऐसा शिप होगा जिसका हेयर भी अच्छा होगा साथ में उसके हेयर की क्वालिटी भी अच्छी होगी समझ गया अब इसको और भी अगर हम आसानी से समझना चाहें तो ये एग्जाम्पल देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं जिससे कि कंप्लीटली आपको सिलेक्टिव क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा समझ गए अब यहां पर देखिए मैं डॉग्स का ले रहा हूं जैसे यहां पर हमें क्या चाहिए एक ऐसा डॉग चाहिए जो कि बहुत ही मजबूत है बहुत ही ताकतवर है बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही फुर्तीला है और वो किसी से डरता भी नहीं है ऐसा हमें डॉग चाहिए हम क्या करेंगे दोनों पेरेंट्स को इसी तरीके से चुनेंगे तो यहां पर हमने क्या किया इसी काम को करने के लिए कि हमें अच्छी क्वालिटी का डॉग मिले जो कि मजबूत भी हो ताकतवर भी हो फुर्तीला भी हो मेहनती भी हो और निडर भी हो तो हम क्या करेंगे ऐसे पेरेंट्स को लेंगे पहला तो यहां पर देखिए पहला पेरेंट क्या है मैस्टिव लार्ज एक तरीके का डॉग है जो कि बहुत ही मजबूत होता है स्ट्रांग होता है क्या होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है लेकिन यह बहुत ही स्लो होता है और एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है आप जाइएगा इसके पास यह भोंकेगा भी नहीं डाग आपको काटेगा का, कुछ नहीं करेगा लेकिन वहीं पर दूसरा हमारे पास डॉग है वो हमने क्या किया ये जो डॉग है कौन सा डॉग है बुल डॉग है यह बहुत ही एग्रेसिव होता है बहुत ही क्विक होता है लेकिन इसका जो साइज है ना ये बहुत ही स्मॉल होता है तो हम क्या करेंगे मान लीजिए कि फादर हमने इस ब्रीड का ले लिया और यहां पर मदर हमने इस ब्रीड का ले लिया यानी कि पापा ये हो गए मम्मी ये हो गई तो इसके बाद इन दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हमें बच्चा प्राप्त होगा जो बच्चा निकलेगा वो एक नया प्रजाति निकलेगा नई क्वालिटी का निकलेगा इसका नाम क्या होगा बुल नाम होगा ये जो है ये बड़ा भी होगा क्विक हो भी होगा और साथ में स्ट्रांग भी होगा और बहुत ही एग्रेसिव भी होगा क्यों क्योंकि इसके दोनों जो पेरेंट्स थे इनमें से गुण इसमें आ गए और इसकी तरह यह बड़ा भी हो गया स्ट्रांग भी हो गया और इसकी तरह यह एग्रेसिव भी हो गया और क्विक भी हो गया तो क्या हो गया सिलेक्टिव ब्रीडिंग आप समझ गए बिल्कुल इसी तरीके से शिप में मैंने जो एग्जाम्पल समझाया था उसी तरीके से क्या होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग होता है जैसे यहां पर एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर हमारे पास दो शिप है पहला शिप है इसका जो हेयर है शरीर पर हेयर कम होता है लेकिन इसके हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है दूसरा शिप है इसके शरीर पर हेयर बहुत ही ज्यादा होता है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इन दोनों में जब हम क्या करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तो जब बच्चा मिलेगा वो इसकी तरह क्या होगा क्वालिटी उसके हेयर की अच्छी होगी और इसके तरह क्या होगा हेयर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मिल गए और किसानों को क्या हो गया बहुत ही फायदा हो गया जो रियर रह रहे हैं उनको बहुत ही फायदा हो गया तो इस तरीके से हमारा ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या करता है काम करता है अब यहां पर देखिए हमने शिप का एग्जाम्पल तो समझ लिया लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ शिप ही है जिनसे हमें वुल प्राप्त होता है शिप के अलावा भी जानवर हैं कौन कौन से जानवर हैं पहला तो शिप यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा हमारे पास सामने कौन सा जानवर है दूसरा जानवर है गोट अब देखिए गोट जो है वो क्या है एक तरीके से हमारे आसपास आसानी से दिख जाता है उसका भी हेयर इस्तेमाल होता है किस चीज में उसका भी हेयर इस्तेमाल होता है वुल बनाने में साथ में यहां पर अंगोरा गोट है ये अंगोरा गोट से अंगोरा वुल बनता है आपने अंगोरा वुल का नाम सुना होगा वो अंगोरा वुल बनता है अंगोरा गोट से और ये जनरली कहां पाया जाता है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है इसके साथ ही आगे बढ़े तो आगे और भी जानवर हैं कौन कौन से कैमल कैमल ऊंट इन इसके हेयर का भी इस्तेमाल होता है वूल बनाने में साथ में याक याक के हेयर का भी इस्तेमाल होता है वूल बनाने में इसके अलावा बात करें तो साउथ अमेरिका में दो जानवर पाए जाते हैं लामा और अल्पाका इनके हेयर का भी इस्तेमाल होता है वूल को बनाने में वूल का निर्माण करने में तो समझ गए यहां पर ये सारे जनरल जानवर इसके अलावा और भी जानवर हो सकते हैं लेकिन जनरली ये जानवर हैं जिनसे कि बहुत बड़ी मात्रा में वूल का प्रोडक्शन होता है अब यहां पर आगे बढ़े तो हमने तो बैकग्राउंड पूरा समझ लिया अब आगे टॉपिक क्या है फ्रॉम फाइबर टू वूल यानी कि फाइबर से वूल कैसे बनता है पूरा अब हमें प्रोसेस समझना है यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि जो वूल है वो कहां से प्राप्त होता है कौन कौन से प्रोसेस होते हैं कि हमें अंत में वूल फाइबर मिलता है और जिससे कि हम वूल फैब्रिक बनाते हैं तो इसमें दो कैटेगरी बांट सकते हैं पूरे प्रोसेस को पहला तो क्या प्रोसेस है पहला है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप यानी कि जो शिप हैं उनको पालना पोसना उनका ध्यान रखना उनका ब्रीडिंग कराना ताकि हमारे पास शिप्स अवेलेबल हो दूसरा क्या है उनसे वूल को लेकर उनसे वूल निकालकर उसको प्रोसेस करना और पूरे फाइबर को क्या करना वूल में कन्वर्ट करना तो ये पूरा दो कैटेगरीज में आपका प्रोसेस हो गया यानी दो हिस्सों में हम पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं वूल प्रोडक्शन के या फिर वूल फॉर्मेशन के अब यहां पर आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रियरिंग क्या होता है रियरिंग किस चीज को कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग फीडिंग एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू शिप दीज एनिमल्स आर केप्ड सी दे प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग रियरिंग क्या हो गया रियरिंग हो गया कि जब आप किसी जानवर का ख्याल रखते हैं उसको पालते पोसते हैं उसको खाना खिलाते हैं उसको मेडिकल केयर देते हैं ताकि आप उसका अच्छी तरीके से ख्याल रख सकें और आप उससे कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकें जैसे अगर आप गाय पालते हैं तो गाय से आपको दूध प्राप्त होता है तो आप क्या कर रहे हैं गाय का रियरिंग कर रहे हैं उसी तरीके से यहां पर शिप का रियरिंग किया जा रहा है शिप से हमें क्या प्राप्त हो रहा है शिप से हमें वूल प्राप्त हो रहा है और उसी वूल के लिए शिप का क्या होगा रियरिंग होगा यानी कि चराना सिंपल वर्ड में हमारे देश में या फिर हमारे जो राज्य हैं बिहार झारखंड यूपी इन सभी जगहों पर क्या कहा जाता है कि चराया जा रहा है यानी कि भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं भैंस को चरा रहे हैं गाय चरा रहे हैं तो वही रियरिंग आपका हो गया समझ गए अब यहां पर बात की जा रही है कि इंडिया के किस किस इलाके में यह रियरिंग का काम किया जाता है अब यह बात करें तो जो हिली हैं हिली एरिया कौन कौन से जम्मू कश्मीर का ये पूरा काली एरिया जिसमें कि लद्दाख को भी आप इंक्लूड कर लीजिए साथ में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हरियाणा यहां पर इस रीजन में भी इसके अलावा अगर आप बात करें तो कौन सा पंजाब राजस्थान यहाँ पर ये सारे जो रीजन है साथ में प्लेन्स रीजन में गुजरात पंजाब राजस्थान यहां पर आप अगर जाइएगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे क्या शिप्स के बहुत बड़े बड़े झुंड 100 200 500 शिप्स मिलेंगे एक साथ घूमते हुए चरते हुए वो क्या हो रहे हैं उनको पाला जा रहा है पोसा जा रहा है ताकि उनसे वूल को प्राप्त किया जा सके समझ गए तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बात करते हैं कि जो सिप्स होते हैं उनका रियरिंग में एक और चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है उनका खाना पीना भोजन अब देखिए जो सिप्स होते हैं वो कौन से किस प्रकार के जानवर होते, है? होते हैं हरवी होते हैं हरवी का मतलब क्या होता है हरवी का मतलब होता है कि वो घास खाते हैं लीव्स खाते हैं तो यहां पर आपने देखा होगा जब भी आपने देखा होगा इन भेड़ बकरियों को इनको देखा होगा इस तरीके के फील्ड में इस तरीके के फील्ड में ये क्या करते हैं वहां पर अपना घास फूस खाते रहते हैं क्योंकि ये क्या है? वोर्स हैं भी वोर्स और ये घास खाएंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए साथ में अगर इनको देखें तो इनको हेल्दी बनाए रखने के लिए इनके शरीर में न्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में देने के लिए क्या किया जाता है इनको पल्सेस कॉर्न ज्वार ऑयल केक इस ये सभी चीजें भी खिलाई जाती हैं ताकि ये हेल्दी रहें अच्छी क्वालिटी इनका हो और शरीर तंदुरुस्त तंदुरुस्त रहे और कोई परेशानी ना हो समझ गए तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ आपको प्रजातियां बताई गई हैं आपके किताब में कि किस इलाके में कौन कौन सी प्रजाति होती है और उससे किस प्रकार का वूल प्राप्त होता है जैसे बताया गया कि लोही एक प्रजाति है जो कि राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है उससे अच्छी क्वालिटी का वूल मिलता है इसके बाद नाली एक प्रजाति है जो कि राजस्थान हरियाणा और पंजाब में मिलता है इससे हमें कारपेट बनाने वाला वूल मिलता है समझ गए तो इस तरीके से अलग अलग जो प्रजाति है शिप के अलग अलग जो ब्रीड हैं उनसे हम अलग हमें अलग अलग क्वालिटी का वूल मिलता है जिससे हम क्या करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे मैंने कहा था शुरू में कि अच्छी क्वालिटी का वूल होगा तो आपका उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा और अच्छी चीजें बनाई भी जाएंगी समझ गए तो ये आपका क्या हो गया अलग अलग जो ब्रीड्स हैं हैं वो हो गए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हमारा क्या है प्रोसेसिंग था रियरिंग था का ध्यान रखना, हमने का ध्यान रखा, उसको खाना फाना खिलाया अच्छी तरीके से रखा कि वो जिंदा रहे मजबूत रहे तंदुरुस्त रहे और उसको कोई परेशानी ना हो अब अगली बारी आती है अगली बारी क्या अब क्या हो गया है वूल काटने का वुल निकालने का वुल प्रोसेस करने का अब समय आ चुका है तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा सबसे पहले करना होगा कि भाई देखिए जो शिप है उसका जो हेयर है उसको हम काटेंगे उसको हम शिप में से अलग करेंगे तभी तो हम आगे प्रोसेसिंग कुछ करने पाएंगे तो यहां पर क्या किया जाएगा यहां पर जो शिप है उसके हेयर को क्या किया जाएगा काटा जाएगा कैसे काटा जाएगा तो इस तरीके से काटा जाएगा तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहां पर देख सकते हैं क्या हो रहा है यहां पर हो रहा है आपका क्या यहां पर हो रहा है क्या शिप का हेयर काटा जा रहा है और इसको क्या कहा जाता है जरा बताइए वैसे आपने पढ़ा होगा होगा चैप्टर तो आपको पता लेकिन इसको कहा जाता है शियरिंग क्या कहा जाता है शियरिंग कहा जाता है किस चीज को जो शिप है उसके इस तरीके से वूल को वूल के निकालने को हम क्या कहते हैं शियरिंग कहते हैं समझ गए तो अब इसके हम आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हेयर होता है शिप का उसको हटाया या फिर रिमूव कब किया जाता है काटा कब जाता है जब हॉट वेदर होता है हॉट वेदर में ऐसा क्यों किया जाता है हॉट वेदर में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो शिप है उसको ठंडी ना लगे अगर हम उसका हेयर हटा देंगे तो उसको ठंडी भी तो लग सकती है तो इसलिए हम गर्मियों में हेयर हटाते हैं ताकि उसको ठंडी ना लगे और उसकी तबीयत ना खराब हो या फिर वो मरे नहीं तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं हॉट वेदर में हेयर हटाते हैं शिप का और जब इन शिप्स के हेयर को काटा जाता है जब इन शिप्स के हेयर को हटाया जाता है तो यहां पर एक और चीज किया जाता है और वो यह है कि जब इनका स्किन पर से पूरा मशीन के जरिए क्या किया जाता है हेयर काटा जाता है तब इनका स्किन का एक पतला सा हिस्सा भी साथ में छील दिया जाता है तो अब बोलेगा सर उसको दर्द नहीं होगा क्या उसको चोट नहीं लगेगा क्या उसको तकलीफ नहीं होगा yerde, नहीं नहीं उसको तकलीफ नहीं होगा इसी चीज की वजह से यह चीज ध्यान रखा जा जाता है और यहां पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसी वजह से वो क्या होता है यह चीज ओके okay है कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि यह जो स्टेप है यानी कि शिप के हेयर को काटने का उसको शरीर से अलग करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं शेयरिंग कहते हैं क्या कहते हैं शेयरिंग कहते हैं यह बात ध्यान रखिएगा इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आ जाता है और वो क्या है वो ये है कि जो श्रेडेड स्किन है यानी कि जो हमने अलग किया था वो शिव के शरीर से स्किन से उसको हम क्या करते हैं उसको थोड़ोली वाश करते हैं लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से उसको साफ सुथरा करते हैं कि उसमें कोई गंदगी ना रहे कोई परेशानी ना रहे कोई भी उसमें मैल ग्रीस गंदगी क्योंकि देखिए शिव जो है वो बाहर फील्ड में घूम रहा है फील्ड में घूमेगा कहीं बैठेगा कहीं गोबर में बैठ जाएगा कहीं गंदगी में बैठ जाएगा उसको कुछ -कुछ -कुछ उसके ऊपर कुछ गंदगी गिर जाएगा तो जो हेयर है उसका जो कि हमारे सामने है वो गंदा हो जाएगा तो उसको साफ भी करना होगा तो इसको क्या किया जाता है साफ किया जाता है ताकि उसमें से ग्रीस डस्ट डर्ट सारी चीजें निकल जाए और ये जो साफ करने का प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं इसको स्कोरिंग कहते हैं स्कोरिंग कहते हैं अब यहां पर देखिए इसका भी अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो ज्यादा कुछ हे, हेवी चीज नहीं है बहुत ही सिंपल चीज है कि भाई देखिए कोई मशीन है उसमें क्या हो रहा है यहां पर हमारा सफाई हो रहा है अब यहां पर देखिए यह इस मशीन में सफाई हो रहा है यहां पर इस तरीके से अंदर जा रहा है पूरा मशीन क्या कर रहा है वोल की सफाई कर रहा है तो समझ गए कि क्या हो रहा है यहां पर आपका स्कोरिंग हो रहा है समझ गया इसके बाद अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें तो इसके बाद क्या होता है इसके बाद इसके बाद होता है कि जो अलग अलग टेस्चर के वो हेयर हैं उनको सेपरेट किया जाता है उनको अलग अलग किया जाता है जैसे मैंने कहा था कि भाई देखिए पूरा जो हेयर है एक शिप के ऊपर वो हेयर में आपका रफ हेयर भी हो सकते हैं सॉफ्ट हेयर भी हो सकते हैं जो उन वो अलग अलग कैटेगरीज है हेयर की उनको अलग अलग किया जाता है कि भाई अच्छी क्वालिटी वाला अलग रखो खराब क्वालिटी वाला अलग रखो तो ये जो चीज है ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको सॉर्टिंग कहा जाता है क्या कहा जाता है सॉर्टिंग कहा जाता है समझ के सॉर्टिंग में क्या होगा अलग अलग क्वालिटी या फिर अलग अलग टेक्सचर के जो वूल है उसको अलग अलग रखा जाएगा हला हटाया जाएगा तो यही होता है आपका सॉर्टिंग इसके बाद होता है कि भाई देखिए जो आपका वूल होता है उसमें क्या होता है स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिसको बर्स कहा जाता है आपका आपने अगर स्वेटर पहना होगा तो स्वेटर में आपने देखोगे छोटे छोटे क्या होते हैं बॉल जैसे आपके पूरे स्ट्रक्चर पूरे स्वेटर पर आ जाते हैं कुछ दिनों के बाद कुछ महीने यूज करने के बाद वही होते हैं क्या बर्स और ये होते हैं जब आपका फाइबर होता है शुरू में उस समय भी मौजूद होते हैं जैसे यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर ये आपका एक वूल है वूल का कपड़ा है फाइबर फैब्रिक है उसमें आप ये जो छोटे-छोटे रेशे देख रहे हैं ऊपर ना यही आपका क्या है बर्स हैं इनको क्या किया जाता है अलग किया जाता है साफ किया जाता है और कैसे किया जाता है वो जरा दिखा दूं वैसे ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मैं दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है यहां पर पूरा प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस में क्या हो रहा है पहले स्कोरिंग हुआ इसको 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 डाला गया गया साफ किया गया, इसको पूरा प्रोसेस किया जा रहा है इसके बाद क्या होगा इसके बाद आगे चलकर इसमें से क्या होगा शॉर्टिंग किया जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा पूरा इसको एक थ्रेड बनाने का प्रोसेस शुरू किया जैसे यहां देखिए यहां क्या हो रहा है थ्रेड बनाया जा रहा है पूरा एक स्ट्रीम लाइन करके थ्रेड बनाया जा रहा है और उसी प्रोसेस में क्या हो रहा है हमारा ये जो बर्स थे वो अलग हो जा रहे हैं साफ हो जा रहे हैं समझ गए तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो अगला स्टेप हमारे सामने क्या है अगला स्टेप क्या है कि भाई देखिए जो फाइबर्स हैं वो क्या किए जाते हैं वो डाई किए जाते हैं अलग अलग कलर्स में यानी जिस कलर का हमें चाहिए होता है फैब्रिक या फिर जिस तरीके का हमें धागा चाहिए थ्रेड चाहिए यान चाहिए उस कलर में हम क्या करते हैं डाई करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि जो शिप होते हैं या फिर गोट होते हैं इनका जो फ्लीस होता है ये जनरली दो तीन कलर में ही आता है या तो ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा या तो व्हाइट होगा या फिर आपको सिल्वर थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा सिल्वर टाइप का कलर यहां पर देख सकते हैं जनरली यही कलर आपको शिप का देखने को मिलेगा या फिर आपका जो गोट है उसका यही कलर ब्लैक व्हाइट ब्राउन या फिर और भी एक थोड़ा अलग कलर सिल्वर टाइप का कलर एक होता है उसमें भी मौजूद होता है तो इस तरीके के आपको जो फाइबर्स हैं इनको क्या किया जाता है डाई किया जाता है जिस कलर में रेड ब्लू ब्राउन ग्रीन येलो, जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर में आप क्या कीजिएगा डाई कीजिएगा तो इस तरीके से क्या होता है आपका पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में क्या हो गया हमारा पूरा जो फाइबर था वो तैयार हो गया अब धागा बनने के लिए तो धागा यहाँ पर वही मैं वीडियो फिर से मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पर धागा बनाने की बारी आई तो इस इन फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है कंबाइन किया जाता है और यान में रोल कर दिया जाता है तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जैसे देख सकते हैं क्या है यहां पर देखिए इस तरीके से खींच खींच कर क्या किया जा रहा है धागा में कन्वर्ट किया जा रहा है थ्रेड में कन्वर्ट किया जा रहा है किस चीज को वूल को तो इस तरीके से हमारा वूल का जो प्रोसेसिंग होता है वो कंप्लीट होता है और थ्रेड के बाद तो बहुत ही इजी प्रोसेस है उसकी बुनाई की जाती है और हमारे सामने आपका क्या आ जाता है फाइबर आ जाता है और फाइबर को हम सिलकर क्या करते हैं कपड़ा अपने लिए फैब्रिक बना लेते हैं और सॉरी फैब्रिक आ जाता है फैब्रिक को सिलकर हम अपने लिए कपड़ा बना लेते हैं अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है एक और बात है या पॉइंट है जो आपकी किताब में बताया गया है और वो है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स अब देखिए यहां पर जो लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में यहां पर जो सॉर्टर्स हैं इनको सॉर्टर्स कहा जाता है जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं ये इनको कई बार एक बीमारी हो जाती है इंफेक्शन के जरिए और ये क्या है एंथ्रिक्स ये एक बीमारी है इसको सॉटर्स डिजीज भी कहते हैं ये एक तरीके का ब्लड डिजीज होता है वो इस इंडस्ट्री में सीप के आसपास काम करने से हो जाती है और ये होती है किस चीज़ से बैक्टीरियम की वजह से बैक्टीरिया की वजह से समझ गया तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद अब बारी किस चीज़ की है बारी है सिल्क की यानी जो सिल्क है उसके बारे में अब हम जान लेते हैं सिल्क को पढ़ लेते हैं कि भाई सिल्क जो है उसका प्रोडक्शन पूरा प्रोसेस कैसे होता है आइए देख लेते हैं अब देखिए सिल्क होता क्या है सिल्क एक तरीके का एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है जो कि हमें प्राप्त किस चीज से होता है सिल्क वॉर्म से होता है सिल्क वार्म से हमें क्या मिलता है हमें मिलता है प्रोटीन फाइबर जिसको कि हम क्या कहते हैं सिल्क कहते हैं और इसको यूज किया जाता है टेक्सटाइल फाइबर के रूप में अब देखिए यहां पर बात करें तो सिल्क कोई एक टाइप नहीं है सिल्क के भी कई सारे टाइप होते हैं कई प्रकार के सिल्क होते हैं कई क्वालिटी के होते हैं कई तरीके के होते हैं और ये अलग अलग प्रकार के सिल्क वॉर्म द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं यानी कि आपको जैसा चाहिए सिल्क उस तरीके के सिल्क वर्ग को आप पालिएगा उस तरीके के सिल्क वर्म से आप आप सिल्क निकालिएगा समझ गए और यहां पर जो अंतर होता है वो होता है सिल्क के टेक्सचर में सिल्क के लश्चर में और अलग अलग क्वालिटी में यानी जो अलग अलग आपको सिल्क मिलेगा उसके अलग फीचर अलग फीचर्स होंगे अलग अलग क्वालिटी होगी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होंगी समझ गए यहां पर एग्जाम्पल जैसे कुछ नाम बताए गए हैं मैंने आ, उठा लिया आपके एन बुक में था जैसे कोसा तासार मुगा और ये आपको अलग अलग सिल्क मॉथ द्वारा बनाए जाते हैं और इसमें से सबसे कॉमन जो है या फिर सबसे फेमस है वो क्या है मलबेरी सिल्क मॉथ मल्कबेरी सिल्क जो है वो आपको कहां से प्राप्त होता है मल्कबेरी सिल्क मौत से प्राप्त होता है अब यहां पर आगे देखें तो आगे हमारे सामने क्या है सेरीकल्चर अब ये सेरीकल्चर क्या होता है सेरीकल्चर एक तरीके से होता है प्रोसेस रियरिंग ऑफ सिल्क बॉर्न हमने क्या किया था अभी भेड़ बकरियों के रियरिंग को देखा था उसी तरीके से जब हम सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म का ध्यान रखते हैं सिल्क वॉर्म का पूरा मैनेजमेंट करते हैं उसका ख्याल रखते हैं तो यही क्या हो गया रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म और यही प्रोसेस हमारा क्या हो गया सेरिकल्चर यानी कि सिल्क प्राप्त करने के लिए अगर हम सिल्क वॉर्म का रियरिंग कर रहे हैं तो वही क्या होता है सेरिकल्चर होता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है सिल्क वॉर को अच्छी तरीके से अच्छे टेम्परेचर पर जितना उसको जरूरी है जितना जरूरी है उतने ह्यूमिडिटी पर अच्छी तरीके से प्रोसेस किया जाता है अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है रियर किया जाता है ताकि हमें अच्छी क्वालिटी के सिल्क थ्रेड मिल सके कोकून से कोकून क्या है उसको भी हम देखेंगे तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सिल्क मौत के डेवलपमेंट फेज को देखते हैं या फिर सिल्क के लाइफ को हम देखते हैं अब यहां पर देखिए सिल्क मौत की बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है या तो हम एडल्ट से कह सकते हैं कि शुरुआत होती है या फिर एग से शुरुआत होती है कैसे कि देखिए कोई एडल्ट है कोई एडल्ट सिल्क वार्म है वो क्या करेगी जो माँ है वो क्या करेगी बहुत सारे अंडे देगी बहुत सारे अंडे दे दी उस दे दिया उसने अब ये जो अंडे हैं ये अंडे कन्वर्ट हो जाएंगे लार्वा में यानी कि लार्वा के रूप में बन जाएंगे जब ये ग्रोथ कर जाएंगे कीड़े के रूप में आ जाएंगे और ये लार्वा क्या करेंगे खाना खाना शुरू करेंगे खाना खाएंगे और ये जनरली कहां पर आते हैं जनरली ये मलबेरी ट्रीज पर आते हैं मलबेरी ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उसको ये खाते हैं उसी पर रहते हैं और उसी तरीके से ये ग्रोथ करते हैं और आगे चलकर ये क्या करते हैं प्यूपा बन जाते हैं प्यूपा और प्यूपा के रूप में क्या करते हैं ये खुद को कवर करने लगते हैं किस चीज से जो हमने प्रोटीन फाइबर कहा था जिसको हम सिल्क कहते हैं उसी से खुद को कवर करने लगते हैं और इसके साथ ही ये क्या होते हैं पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं और अंत में क्या होते हैं ये उससे बाहर निकल कर उड़ जाते हैं एक बड़ा सा तितली या फिर बड़ा सा इस रूप में जिस रूप में आप देख रहे हैं इस रूप में निकल जाते हैं अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या है फ्रॉम ककोन टू सिल्क ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि पूरा भाई लाइफ कैसा चलता है लेकिन अच्छी तरीके से डिटेल में अब हम पढ़ते हैं तो यहां पर अब हम आगे बात करते हैं कि जो सिल्क होता है यानी जो सिल्क हम रियली में यूज करते हैं जो में हमें आउटपुट चाहिए उसका प्रोडक्शन कैसे होता है उसका मैनेजमेंट कैसे होता है वो निकाला कैसे जाता है अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी तो हमने मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि जो सिल्क वर्म होता है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है लेकिन अब हम देखने वाले हैं पूरा प्रोसेस जिसके जरिए सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले क्या होता है कि जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनके अंडो को जमा किया जाता है अंडों को कैसे जमा किया जाता है जो है जो जो फीमेल सिल्क सिल्क होती एडल्ट यहां पर देख सकते हैं इमेज में यह होती है जो मां होती है वो सैकड़ों अंडे एक बार में देती है इन अंडों को क्या किया जाता है इन अंडों को अच्छी तरीके से संभाल कर रखा जाता है संभाल कर जमा किया जाता है और क्या किया जाता है इसको स्ट्रिप्स इस पर कपड़ों के या फिर पेपर के स्ट्रिप पर जमा किया जाता है और उसको बेच दिया जाता है किसानों के पास कौन से किसान जो कि सिल्क वॉर्म का पालन करना चाहते हैं रियरिंग करना चाहते हैं यानी कि कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे सिल्क वॉर्म के अंडों को जमा करेंगे उसको मार्केट में बेच देंगे किसको बेच देंगे वैसे किसानों को जो कि सिल्क वॉर्म का रियरिंग करना चाहते हैं पालन पोषण करना चाहते हैं अब ये जो फार्मर्स होते हैं जो लोग सिर्क वार्क का रियरिंग करते हैं ये इन अंडों को अच्छी तरीके से बहुत ध्यान से बहुत ही हाइजेनिक कंडीशन में और बहुत ही सूटेबल कंडीशन में सूटेबल कंडीशन कहने का क्या मतलब है यानी कि ऐसे कंडीशन में ऐसे टेम्परेचर पर ऐसे ह्यूमिडिटी पर इन अंडों को रखते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से जी सके और इनके अंदर से सिल्क मॉथ डेवलप हो सके यानी कि देखिए ये जो अंडे होते हैं इनको कुछ खा टेम्परेचर चाहिए होता है कुछ खास ह्यूमिडिटी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए अपने आप को ग्रोथ कराने के लिए वो ह्यूमिडिटी और वो टेम्परेचर इन्हें प्रोवाइड किया जाता है और जो भी कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है वो फार्मर्स द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये हैच कर सके ताकि ये ग्रो कर सके इन अंडों को सही तरीके से टेम्परेचर मिलना बहुत ही जरूरी है सूटेबल टेम्परेचर मिलना जरूरी है ताकि ये हैच कर सके यानी ये अंडों से निकलकर मौत बन सके अंडों से निकलकर लार्वा बन सके ग्रो कर सके और सिल्क का प्रोडक्शन कर सकें समझ गया इसलिए इन चीज़ों का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है किन चीजों का टेम्परेचर का और भी चीज़ों का अब देखिए यहां पर क्या किया जाता है यहां पर यह किया जाता है कि यह सारा प्रोसेस जब होता है कब होता है यानी कि अंडों को हैच कराने का प्रोसेस कब किया जाता है अंडों अंडों को ग्रोथ अंडो से लार्वा बनाने की शुरुआत कब जनरली की जाती है यह की जाती है कि जब मलबेरी ट्रीज में लीव्स के क्रॉप्स आते हैं यानी नए पत्ते आए होते हैं ऐसा क्यों होता है उसका कारण यह है कि जो सिल्क वार्म होते हैं जो यहाँ पर ये सिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं वो मलबेरी ट्रीज़ को खाते हैं मलबेरी ट्रीज़ को अपना आहार बनाते हैं और मलबेरी ट्रीज़ के पत्ते अगर सॉफ्ट होंगे नए होंगे तो वो आसानी से अवेलेबल भी होंगे ज़्यादा क्वांटिटी में और साथ में जो सिल्क वॉर्म है उनके लिए भी फायदेमंद होगा यहाँ पर बात करें यहाँ पर जब अंडे को अच्छी तरीके से ध्यान में रखा जाता है उसके बाद सर्टेन कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है तो ये अंडे जो होते हैं ये हैच कर जाते हैं हैच कर जाते हैं इसका मतलब इसका मतलब है कि अंडे से निकलकर वो जन्म ले लेते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ करने लगते हैं तो इसमें जो सबसे पहले जो स्टेज आता है वो लार्वा का स्टेज आता है जो जिसको ऊपर भी हमने देखा था यहां पर इनको कैटरपिलर भी कहा जाता, है, सिल्क वर्म ही कहा जाता है ये लगातार दिन और रात खाते हैं और धीरे धीरे जो इनका साइज होता है वो काफी बड़ा हो जाता है और ये खाते क्या है ये खाते हैं मलबेरी ट्रीज के पत्ते तो यहां पर देख सकते हैं मलबेरी ट्रीज के जो पत्ते हैं वो कीड़ों द्वारा खाए जा रहे हैं कौन से कीड़ों द्वारा यहां पर जो आपके सामने अवेलेबल हैं मलबेरी ट्रीज पर सिल्क वर्म जो है उनके द्वारा खाया जा रहा है तो यहां पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहां पर जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो मलबेरी ट्रीज को लगातार खा रहे हैं और ये लगातार खाते रहते हैं काफी दिनों तक और काफी दिनों तक खाने के बाद ये क्या करते हैं धीरे 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 काफी ग्रो कर जाते हैं काफी बड़े हो जाते हैं अब ये जब ये ग्रो कर जाएंगे जब ये लगातार खाएंगे तो उनको बाद उसके बाद इनको एक अलग चैंबर में पहुंचा दिया जाता है इस तरह के चैंबर में पहुंचा दिया जाता है यहां पर इनको क्या किया जाता है यहां पर इनको मलबेरी ट्रीज के पत्ते देकर छोड़ दिया जाता है रख दिया जाता है ताकि इनको सर्टेन जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए जो इनको टेम्परेचर चाहिए जो ह्यूमिडिटी चाहिए वो भी मिले साथ में ये यह यहां बैठकर आराम से खाते पीते रहें खुद को तंदुरुस्त बनाते रहें खुद को मजबूत बनाते रहें तो इस तरीके से इनको ग्रोथ पहले स्टेज में कराया जाता है यहां पर क्या होता है इसके बाद जो ये लार्वा होते हैं या फिर ये जो सिल्क वार्मस होते हैं ये 25 से 30 दिनों के बाद ये खाना बंद कर देते हैं और फिर इनको बैम्बू के टाइनी चैम्बर्स में जमा कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर ये ककून स्पिन का काम शुरू करें यानी ककून बनाने का काम शुरू करें अब टाइनी चैम्बर कहने का क्या मतलब है यहां पर मतलब है कि देखिए ये जो ट्रेस थे इनको अलग ट्रेस में मूव किया जाता है जहां पर इस तरीके के चैम्बर्स बने हुए होते हैं और इसी चैम्बर में जो ये आप बैंबू के कॉर्नर्स देख रहे हैं इनसे ये अटैच हो जाते हैं और यहीं पर ये अपना ककून बनाने का काम शुरू करते हैं अब ये ककून क्या है ककून एक तरीके से है जो सिल्क मौत है वो खुद को कवर करने के लिए खुद के लिए एक घर जैसा आकृति बनाने के लिए क्या करता है वो खुद के ऊपर एक लेयर बनाने लगता है किस चीज़ से उसी सिल्क से जिसका हमें जरूरत है जो हमें चाहिए और यही जो सिल्क कवर होता है इसका सिल्क का ककून जिसको कहते हैं उसको हम यूज करते हैं सिल्क के लिए उसी से हम सिल्क को बनाते हैं अब यहां पर इसका मैं आपको एग्जाम्पल देखाऊं तो यहां पर एग्जाम्पल में आप क्या देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां पे ये जो बच्चे थे जो सिल्क वर्म के बच्चे थे जो कि सिल्क को खा रहे थे मेरा मतलब है मलबेरी ट्रीज को खा रहे थे वो अब क्या करते हैं इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कैसा शेप में एट के शेप में मूव करते रहते हैं और मूव करके अपने लिए ककून बनाने का काम शुरू करते हैं अब इसी तरीके से ककून बना बनाकर ये काफी दिनों तक काफी समय तक ककून बनाते हैं और खुद को कंप्लीटली एक लेयर से ढक लेते हैं किस चीज के लेयर से सिल्क के लेयर से सिल्क के लेयर से ढक लेते हैं और उसी काक का हम इस्तेमाल किस चीज में करते हैं उसी काक का हम इस्तेमाल उसी से हम सिल्क निकालने में करते हैं यहां पर देख सकते हैं कि ये जो सिल्क वर्म था ये लगातार ये ककून बनाने का काम कर रहा था और खुद के ऊपर कितना मजबूत कितना मोटा लेयर इसने बना लिया है तो इस तरीके से जो सिल्क वर्म है वो क्या करता है वो अपना प्रोडक्शन करते रहता है किस चीज का करकून का ककून बनाता है और खुद के लिए एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर ये बनाता है कि जब ये ग्रो हो तो उस समय उसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर बना हुआ रहे समझ गए तो यहां पर अगर हम इसके आगे देखें तो आगे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि यहां पर यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए यहां पर आगे कहा जा रहा है कि स्मॉल रैक्स और ट्विक्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच ककून गेट अटैच वही चीज जो मैंने चेंबर्स बताया कि एक ट्रे में काफी चैम्बर्स बना दिए जाते हैं जिसमें ये अटैच हो जाते हैं द कैटर पिलर और सिल्क वर्क स्पिन द ककून कैसे स्पिन करता है ये मैंने आपको दिखा दिया इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ जो ककोन है उसको स्पिन करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में बनाता है जिसके अंदर सिल्क मॉथ क्या होगा डेवलप होगा उसके पंख आएंगे वो डेवलप करेगा वो बड़ा होगा और वो खुद के लिए क्या बनाता है प्रोटेक्टिव लेयर यानी जिस ककोन का इस्तेमाल हम सिल्क प्रोडक्शन में करते हैं वो रियलिटी में क्या होता है उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं अब इसके बाद देखिए बारी आ गई किस चीज़ की प्रोसेसिंग की अभी तक क्या हुआ अभी तक हमने रियरिंग कर लिया अभी तक हमने सिल्क मॉथ को पाल पोस लिया उसको ग्रोथ करा दिया ककून भी उसने बना दिया अब बारी आती है उस ककून को यूज करने की उस ककून से सिल्क निकालने की बारी आती है तो अब हम क्या करेंगे प्रोसेस करेंगे किस चीज को उसी ककून को अब यहाँ पर जो ककून बन बनते हैं इन ककून को क्या कर दिया जाता है या तो डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया जाता है या फिर इनको बॉयल किया जाता है या फिर इनको स्टीम में रख दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो सिल्क फाइबर होता है वो सेपरेट कर जाता है और वो बाहर आ जाता है और उसको हम रेशे के रूप में आसानी से निकाल सकते हैं जैसे यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्या किया जा रहा है यहां पर स्टीम किया जा रहा है यहां पर इसको बॉयल किया जा रहा है किस चीज को ककून को और इसी से क्या किया जाएगा रेशों को निकाला जाएगा कौन से रेशे जिसको हम सिल्क के लिए इस्तेमाल करेंगे अब इसके बाद यहां पर अगर हम देखें एग्जाम्पल तो यहां देखिए ये फैक्ट्री का एक सीन है एक फैक्ट्री है जहां पर कि सिल्क प्रोडक्शन का काम होता है ककून से सिल्क बनाया जा रहा है यहां पर आप काफी लंबे ट्रेस देख रहे हैं जिसमें की क्या किया जा रहा है बॉईल किया जा रहा है को इनको बॉईल करके मशीन के जरिए इसमें से सिल्क का रेशा निकाला जाता है जिससे कि आगे सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है समझ गए यहां पर अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे सामने क्या है यहां पर आगे है रीलिंग द सिल्क अब यहां पर कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम ककोन फॉर यूज एज सिल्क यानी कि जो रिलिंग द सिल्क है इसका कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं सिल्क के रेशो को निकालते हैं ककून से इसके साथ ही रिलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच द थ्रेड और फाइबर थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून रिलिंग जो है एक स्पेशल टाइप के मशीन में किए जाते हैं जिस मशीन को अभी मैंने आपको दिखाया ये क्या करते हैं ये एक तरीके से जो थ्रेड है और जो फाइबर है सिल्क के उसको निकालते हैं और वो ककून से निकालकर उसको एक तरीके से फाइबर के रूप में जमा करते जाते हैं और धीरे धीरे इस सिल्क फाइबर को क्या किया जाता है थ्रेड में बदला जाता है और जिसको कि आगे चलकर सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है या फिर सिल्क फाइबर बनाया जाता है सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है तो सिल्क का जो प्रोडक्शन था जो पूरा प्रोसेसिंग था ये आपने देख लिया सिल्क मौत के रियरिंग को भी आपने देख लिया अब इसके बाद बात करें तो सिल्क टाइप की बात की जा रही है कि देखिए सिल्क टाइप जो होता है वो एक काफी अलग अलग टाइप का होता है जैसे कि अगर बात करें जो सिल्क ये होते हैं ये ककून से पाए जाते हैं और मैंने शुरू में ही कहा था कि जो सिल्क के टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा सिल्क हम सिल्क मॉथ यूज कर रहे हैं क्योंकि सिल्क मॉथ अलग अलग तरीके से डेवलप करते हैं जैसे मलबेरी सिल्क जो होता है जो मलबेरी सिल्क होता है वो जिस सिल्क से निकाला जाता है वो क्या करता है मलबेरी ट्रीज के पत्तों को खाता है और उसी के ऊपर ग्रो करता है तो ये जो सिल्क टाइप है ये एक प्रकार का सिल्क हो गया इसके अलावा तासार सिल्क मूगा सिल्क कोसा सिल्क एरी सिल्क ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के सिल्क के अब मलबेरी सिल्क के कुछ फीचर्स देखें तो ये सिल्क फाइबर जो होता है ये स्मूथ होता है ये लस्चर होता है इलास्टिक होता है ये कुछ आपके क्या है फीचर्स हैं मलबेरी सिल्क के इसी तरीके से जो अलग अलग सिल्क के टाइप होते हैं उनके आपके अलग अलग फीचर्स होते हैं अलग अलग क्वालिटी होती है यानी सिल्क के भी कई टाइप्स हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनके फीचर्स के हिसाब से अब बात की जा रही है कि सिल्क की डिस्कवरी कहाँ हुई थी कैसे हुई थी तो सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई थी बहुत साल पहले और यहाँ पर एक कहानी चलती है कि एक इम्प्रेस थी यानी महारानी थी कौन सी सी तुम और ये एक तरीके से जो वहाँ के महाराजा थे जिनका नाम था हुआंग ती इनको एक तरीके से ये चीज पता न लगाने के लिए कहा गया था कि भाई देखो कि जो मलबेरी ट्रीज हैं उनके गार्डन में उसको क्या चीज डैमेज कर रहा है क्यों डैमेज हो रहा है तो जो इंप्रेस थी उसने पाया कि जो वॉम्स है वाइट वॉम्स है वो क्या कर रहे हैं मलबेरी लीव्स को खा रहे हैं उसने ये भी ध्यान दिया कि वो स्पिन कर रहे हैं साइनी कोकून्स यानी जो ककून वो बनाते हैं उसको स्पिन कर रहे हैं और एक्सीडेंटली क्या हुआ कि एक ककून जो था वो उसके कप में गिर गया और उसके कप में गिर गया और उसके थ्रेड्स जो थे वो अलग-अलग हो गए तो इस तरीके से क्या हुआ कि ककून के बारे में लोगों को पता चला इसके साथ ही जो सिल्क इंडस्ट्री है उसकी शुरुआत भी चाइना में हुई थी यानी सबसे पहले सिल्क प्रोडक्शन चाइना में शुरू हुआ था और वहां पर काफी सीक्रेट रखा गया था कई 100 सालों तक धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स थे ट्रैवलर्स थे उनकी वजह से सिल्क जो था दूसरे देशों में पहुंचा और जिस रूट से जिस रास्ते से सिल्क का ट्रेव ट्रेड होता था उसको सिल्क रूट कहा जाता था सिल्क रूट के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो आगे आप पढ़िएगा और सिल्क सिल्क रूट के बारे में काफी आपने सुना भी होगा तो यहां पर इस तरीके से जो सिल्क था उसका डिस्कवरी हुआ तो यहां पर ये जो चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक ये हमारा कंप्लीट होता है इसमें हमने क्या देखा इसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा कौन से दो चीज़ों के बारे में वुल के बारे में और सिल्क के बारे में कि आखिर वुल का प्रोडक्शन कैसे होता है सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है यहाँ पर फाइबर्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन फाइबर्स में हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा वैसे नेचुरल फाइबर्स जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं प्लांट वालों के बारे में हमने क्लास सिक्स में पढ़ लिया है सिंथेटिक के बारे में हम क्लास एट में पढ़ेंगे और यहां पर क्लास सेवन में हमें एनिमल्स से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ना है पढ़ना है जो हमने पढ़ लिया तो यहां पर यह चैप्टर खत्म होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर करिए क्योंकि क्लास सेवन के और भी चैप्टर्स आ रहे हैं और भी सब्जेक्ट्स के हैं तो मिलते हैं आपसे हमारे चैनल पर दूसरे चैप्टर के साथ दूसरे सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए गुड बाय